ये सृष्टि का नियम है कि अच्छा है तो बुरा भी है, दिन है तो रात है, और अगर जीवन में सुख आया है तो दुख भी जरूर आना है, क्योंकि अगर सुख ही सुख रहेगा तो उसमें हमें पता नहीं चलेगा कि दुख क्या चीज होती है, और जब सुख ही सुख मिलेगा तो कोई ज्ञान नहीं होगा किसी भी प्रकार का, फिर जीवन ही नहीं है, तो फिर तो दुख भी हमें सुख का एहसास कराता है, दुख हमें सुख का एहसास कराता है। तो जीवन में दुख आए और हम प्रभु को याद करें, ये भी तो एक अच्छा समय है, अच्छी बात है। वो दुख भी अच्छा है जिसमें प्रभु की याद आए। और मन का स्वभाव क्या है, जो बुरी संगति का असर जल्दी होता है, अच्छी जो बातें हैं उनका मन पर देर समय लगता है असर करने में, और बुरी बातों का बहुत अच्छी जल्दी असर हो जाता है। अब से बहुत दिन पहले, बहुत समय पहले, पुराने भारत में संस्कृति सभ्यता इतना सुंदर, इतनी सुंदर संस्कृति सभ्यता थी, गुरुकुलों की परंपरा, घर में गाय का पालन, और घर के आंगन में एक तुलसी माँ जरूर हुआ करती थी। लेकिन आज मनुष्य सब कुछ भूलता जा रहा है, सब कुछ बदल गया। गुरुकुलों में क्या होता था, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे विद्यार्थी, और विद्या उपार्जन करते थे, और वहाँ पर उन्हें सभी प्रकार का धर्म का ज्ञान, न्याय का ज्ञान, और सत्यता का ज्ञान, और मानवता, परोपकार, सब चीज़ों का ज्ञान वहाँ उन्हें प्राप्त होता था। आज के सिलेबस में क्या है कि धर्म तो नाम मात्र का है, धर्म का ज्ञान नहीं है। अब से बहुत दिन पहले यहाँ हमारे भारत में मैकाले आया था, तो मैकाले जब आया भारत में तो उसने देखा कि यहाँ तो बहुत मतलब अचंभित रह गया, आश्चर्यचकित कि इतना सुंदर भारत। अच्छा, इसीलिए इसको कहा जाता है कि भारत सब देशों में अलग संस्कृति सभ्यता बहुत सुंदर है। तो जब उसने देखा कि यहाँ के तो गुरुकुल बहुत अच्छे हैं, सिस्टम बहुत सुंदर है, हर चीज़ की व्यवस्था, सड़कें, गली, घर, चौराहे, सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतना सुंदर भारत था। तो मैकाले ने अपने पिता से कहा कि अगर भारत को बर्बाद करना है तो यहाँ सबसे पहले यहाँ के गुरुकुलों को नष्ट करना होगा। तो उसने क्या किया, भारत के सभी गुरुकुलों को बंद करा दिया, और जब गुरुकुलों को बंद किया तो फिर स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना हुई। बस तब से ये बट्टाधार हो गया और ये चेंज हो गई पढ़ाई की, ये विद्या की, संस्कार और शिक्षा पद्धति में क्या है कि उसमें धर्म अवश्य होना चाहिए। जो संस्कार जाएंगे अगली पीढ़ी में धर्म के, न्याय के, वो शिक्षा के अनुसार ही जाएंगे। सबसे पहले शिक्षा उत्तम होनी चाहिए, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की शिक्षा पर आधारित होता है वहाँ के नागरिकों के चरित्र निर्माण और वहाँ का सफलता, सब कुछ, राष्ट्र निर्माण। अब पहले क्या था कि दूध, छाछ और लस्सी वगैरह सब पिया करते थे, सुबह नाश्ते में लेते थे, और चने की रोटी जो स्वास्थ्यवर्धक थे और बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहता था उन्हें खाने से। लेकिन आज क्या है, जो चाय पीते हैं और वो उससे क्या होता है, उसमें केमिकल्स होते हैं, जैसे निकोटीन है और कैफीन है, वो क्या करते हैं, वो पेट में जाकर अम्ल बनाते हैं और उसे हम पीते हैं, उसका बहुत नुकसान है। चाय जो है पेट में जो पाचन क्रिया है उसको प्रभावित करती है, जिससे हमें भूख कम लगने लगती है, और भूख कम लगती है तो स्वाभाविक है फिर शारीरिक ताकत भी कम होगी और स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो जो बुरी चीज़ें हैं उन पर जल्दी असर हो जाता है, मनुष्य का ये स्वभाव है। सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र मोर ध्वज
इनके किस्सों पर आधारित होती थी रागनियां, और जो उससे ही मनुष्य अपना जो प्राणी आदमी है वो अपना मनोरंजन करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ सिनेमा का प्रचलन हुआ। सिनेमा, अब सिनेमा देखो युवा ने उसको पसंद किया क्योंकि प्रभाव जल्दी होता है, तो सिनेमा आज कहाँ से कहाँ है, और अच्छी चीजों का असर कम होता है। किसी भी देश के राष्ट्र का जो राजा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि देश का न्याय व्यवस्था कैसी हो, देश की चिकित्सा व्यवस्था कैसी है। तो अगर चिकित्सा व्यवस्था अच्छी है, न्याय व्यवस्था अच्छी है, तो वो ही राष्ट्र संपन्न हो सकता है, सुखी रह सकता है। और ऐसा नहीं है कि मनुष्य, भगवान ने सृष्टि में सबको समान अधिकार दिया है, मनुष्य के अलग कर्म है, और जो पशु पक्षी हैं, वन्य जीव हैं, जलचर थलचर नभचर सभी प्रकार के जीव हैं, सभी को पृथ्वी पर समान अधिकार है अपना जीवन जीने का। लेकिन मनुष्य ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, पशुओं के अधिकार को छीन लिया, वृक्षों को काट रहा है, सब कुछ अव्यवस्थित कर दिया, और प्रकृति माता भी इससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए प्रकोप होता है प्रकृति का बार बार। तो ये मनुष्य ने ही सब कुछ व्यवस्था को बिगाड़ के रखा है, स्वार्थ में सब कुछ भूलता जा रहा है आदमी। पशु भी क्या नहीं कर सकते। महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था, उसका नाम था चेतक। कितना बुद्धिमान जीव था। उसमें एक कवि ने, किसी कवि ने लिखा है, रण बीच चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, जो तनिक हवा से बाघिली लेकर सवार उड़ जाता था, और राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। उसे सब कुछ ज्ञान था कि ये मेरा सहायक है, सारा ज्ञान था उसको। तो बस मनुष्यता ही मनुष्यकता को भूलता जा रहा है, वरना सब प्रकृति भी समान रूप से चलती रहे अगर अपने कर्तव्य का पालन करे मनुष्य। तू है मेरा खी भैया, मैं हूँ तेरी नैया, तू है मेरा खी भैया, मैं हूँ तेरी नैया, नैया डोलने ना देना मेरी और एक नैया, नैया डोलने ना देना मेरी और एक नैया, तू है मेरा खी भैया, मैं हूँ तेरी नैया, नैया पुरानी लहरे तूफानी मिलो दूर किनारा, नैया पुरानी लहरे तूफानी मिलो दूर किनारा, दुनिया है फानी गहरा है पानी मन माझी मन हारा, पतवार थाम लेना पतवार थाम लेना ओ बंसी बजैया, पतवार थाम लेना ओ बंसी बजैया, तू है मेरा खी भैया, मैं हूँ तेरी नैया, नैया डोलने ना देना मेरी और कन्हैया, तुम हो प्यारे तारण हारे सांवरिया गिरधारी, तुम हो प्यारे तारण हारे सांवरिया गिरधारी, पापी अधर्मी पार उतारे आके शरण तिहारी, मुझको भी तार देना मुझको भी तार देना मुझको भी तार देना ओ जग के रचिया, मुझे सागर में छोड़ नहीं देना कन्हैया, तू है मेरा खी भैया, मैं हूँ तेरी नैया, मुझे सागर में छोड़ नहीं देना कन्हैया,
मुझे सागर में छोड़ नहीं देना कन्हैया, तू है मेरा खिवैया मैं हूँ तेरी नैया। मुझे सागर में छोड़ नहीं देना कन्हैया, नैया पुरानी लहर तूफानी मिलो दूर किनारा, दुनिया है फानी गहरा है पानी मिलो दूर किनारा, पतवार थाम लेना पतवार थाम लेना ओ बंसी बजैया, मुझे सागर में छोड़ नहीं देना कन्हैया, तू है मेरा खिवैया मैं हूँ तेरी नैया।